बड़ा ही आनंद आ रहा है। हर कलाकार आपके समक्ष बड़ी अच्छी अच्छी बातें छोड़ता हुआ जा रहा है, बहुत ही सुंदर बात। और भैया जी खुडियाना की सरदारी बहुत अच्छी तरह बरस रही है भैया गौरव, अब तो 5-5 हजार का लाख भी आ जाए, क्योंकि समझदार के लिए सारा काफी होता है। सजनों वो लिख दिया है, हंस बोले रघुवंश कुमार और विद की लिखी को मेटन हार। समय का चक्कर अच्छे अच्छे विद्वानों, अच्छे अच्छे गुणवानों, अच्छे अच्छे बलवानों को समझ नहीं आया तो आपकी हमारी औकात क्या है। भैया जी ध्यान को उसी जगह पर लगा दे क्योंकि समय कम है। प्रसंग मेरा भैया है जो कि मैं छोड़ के गई थी। हाँ जी कमेटी वाले आराम दीजिए। प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं, पहले दौर में ना हमने कोई उपदेश लगाया, शुद्ध जिगड़ी, क्योंकि हमारे गुरु का यही आदेश है जो हमें सिखाया है। भैया आज जैसे ही अर्जुन शिकार खेलने के लिए गया, भैया कोई शिकार नहीं मिला, प्यास सताने लगी, जल की तलाश में वो अर्जुन एक सरोवर के किनारे पर आ गया। अर्जुन के लिए एक हीरे मोतियों से जड़ित कंगन मिला। जैसे कंगन मिला, कंगन को अर्जुन ने देखा, परखा, जांचा। जैसे उस कंगन को देखा, मन ही मन में सोच रहा है, ऐसा सुंदर कंगन आज तक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। लेकिन बताया कंगन लियो उठाए पार्थ ने, कंगन लियो उठाए पार्थ ने, जा में जड़ रहे रतन सितारे हैं। और ऐसो कंगन कबहू ना देखो या कंगन के काम करारे हैं। लेके कंगन चल दियो पारथ, लेके कंगन चल दियो पारथ, फिर लौट महल में आयो। और भैया जाने द्रोपद को वो कंगन, द्रौपदी के लिए उस कंगन को दे दिया। जब द्रौपदी ने उस कंगन को देखा तो कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, इस कंगन का केवल एक ही जोड़ा है, इस कंगन का दूसरा जोड़ा कहां पर है। इतनी बातें कही, लेकिन भैया गौरव सुनिएगा, द्रौपदी एक जिद पर अड़ गई, एक हट पर अड़ गई। कैसे कहा भैया, और ले या कंगन को। बाबा साहब कथा की तरफ गौर करो, भैया जी समय कम है। द्रौपदी उस कंगन के लिए कहने क्या लगी, भैया जी और या कंगन को मुख जोड़ा ला दे। द्रौपदी ने वचन उच्चारा, हिरण में किली तुम पांच जने ये, और कामना तुमको भालो, कामना तुमको भालो। Oh।
ये कामना तुमको भारो, कामना तुमको भारो। और कह रही द्रौपदी क्या भैया, और पहरनहारी भैया कौन सी बात कही कैसे क्या, अरे पहरनहारी और कैसी होगी, लखनियों पर के बारो, लखनियों पर के बारो, लखनियों पर के बारो। सजनों द्रौपदी जिद पर अड़ गई कि मुझे इस कंगन का जोड़ा चाहिए, कहीं से भी लेकर के आइए। द्रौपदी की बातों को जब धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना तो बताया, द्रौपदी की जब बात सुनी, द्रौपदी की जब बात सुनी कहे युधिष्ठिर बानिए, और तू सोच समझ के बोलना तू पंडन की पट रानी है, चीज मांग ले बेशक हक से, चीज मांग ले बेशक हक से, पर हर बात में मत अजमावे और मत तू त्रिया जाल रचावे। इन वचनों को दिया, लेकिन भैया जी द्रौपदी बार बार उन पांडवों से उस कंगन का जोड़ा मंगवा रही है, और भैया जी कैसे होने क्या लगा कैसे, सुनिएगा द्रौपदी ने किस किस को पूछा उस कंगन का जोड़ा मंगवाने के लिए। भैया जी कैसे, ए और ले चार भैया, चार चारों के नाम भी आएंगे कथा के अंदर। आखिर द्रौपदी ने किस किस को पूछा भैया बोलो, ए और ले चार भैया, और द्रौपदी ने पूछे पांडव चार, भैया जी सुनिएगा कैसे, ये रे चार भैया, और ये हमारे परम सम्मानीय आदरणीय हमारे चाचा जी राजेश जी जो मथुरा से आए, ये हमें सम्मान दे रहे, जो सार्वभौमिक सम्मान होता है भैया जी, जो असलियत का सम्मान होता है वो हमें दे रहे, बार बार सम्मान करते हैं हम इनका कैसे। लेकिन क्या, अरे चार भैया और द्रौपदी ने पूछे पांडव चार, अब सुनिएगा किस किस का नाम आया। हाय अर्जुन नकुल,
चाचा जी नाम किस किस के आ रहे हैं बताया। हाय अर्जुन नकुल और सहदेव युधिष्ठिर। अर्जुन को पूछा देखिए मन से नीचे में बहुत कम आती इसलिए मेरा निवेदन है चाचा जी आपका सम्मान इधर ही आ जाए। भैया जी कहा हाय अर्जुन नकुल से है देव युधिष्ठिर और भैया क्या हेर नार भैया और ये हमारे चाचा जी हमें सम्मान दे रहे बार बार धन्यवाद। जब अर्जुन से पूछा नकुल से पूछा सहदेव से पूछा युधिष्ठिर से पूछा तो सभी ने क्या जवाब दिया सुनिएगा। कैसे समय का भाव दो मिनट रही है साहब दो मिनट तम वो देख लियो मैं तमने देख लूंगी दो मिनट पूरी। मैं इसी प्रसंग को आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि गाने का टाइम नहीं है। गाना गाए गाना सुनिएगा। समय के अनुसार राजनीति बहुत होली लेकिन जो समय है जब कुंवर रोहतास को उस विश्वामित्र ने कार रूपी सर बन करके डस लिया तो कुंवर रोहतास की माँ दहाड़े मार करके बागों में आ गई और भैया अपने बेटे को अपने कलेजे के टुकड़े को गोदी में ले लिया और किस प्रकार से भैया गाने के माध्यम से बिलाप करने लगी रोने लगी कैसे। कहा और बेटा तुम्हारी बिरह में मेरी अकल हैरान है और मुख से तू बोले कहने लगी और मेरे छैया बता दे मुझे आंखों में आंसू हैं ओ मेरे लाला बता दे मुझे हो मेरे छोना बता दे मुझे कहां कारे ने खाया है मेरे मुझे।
बताया हो मेरे बेटा बता दे मुझे कहां कारे ने खाया है। और भैया बोलो क्या, और बोलती हूँ बोले नहीं भैया कैसे, अरे बोलती हूँ बोले नहीं, वो जहर तन में समाया है मेरे सैया बता दे मुझे। लेकिन कहा उस्मान है फूल लेने बगीचे में वो तोड़ा आया था मेरा कुंवर, और ये अपना मिलेगा मुझे, वो ऐसी थी ना मुझको खबर। कैसे भैया का ओडवे लगोई और गोदी में उठाया ललन, भैया गोदी में उठाया ललन सीने से लगाया है बता दे मुझे। क्योंकि समय भी मेरा समापन की ओर, अंतिम बार रानी तारा ने अपने बेटे के लिए कहा क्या, कैसे कहा, तुझे यहीं पड़ा रहने तू, एक माँ का नहीं है धर्म, में क्रिया कर्म। लेकिन रानी तारा ने किया क्या, आधी साड़ी का करके कफन, भैया क्या वो आधी साड़ी का करके कफन, अपने सुत को उड़ाया है मेरे छोना बता दे मुझे।